तो कल हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन पढ़े थे ना, क्या होता सबने अवज्ञा आंदोलन? आप कल कहे थे कि सर जो जो अंग्रेज थे, जो कांग्रेस अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जो आंदोलन बनाए थे उसका भारतीय लोगों ने विरोध किया। जो वह नमक बेच रहे थे उसको कहे हम सेवन नहीं करेंगे, उसी को सबने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। लेकिन आंदोलन ढेर दिन तक चला नहीं, बात समझे न। इस आंदोलन के खिलाफ में जितने भी, देखो हम बताते हैं आप क्या करेंगे। देखिए आपका पकड़ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि अंग्रेज थे, उनका पकड़ बहुत मजबूत बन गया था, जरा सोचो कई सौ बरस लग गया उनको हटाने में, समझो कितना पकड़ मजबूत उनका था। भारत में का देश है, भारत में रहकर अपना हुकूमत चला रहे थे। तो देखो कोई भी देश अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे, ढीला ढाला रहेंगे, भला छड़केंगे अलग चीज़ है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा अलग चीज़ है, लेकिन तनी मनी मने जाएंगे जब आपके साथ कोई घटना घटित हो जाएगी तो सीधे आप पीछे बैक कर जाएंगे, देखते हैं ना। तो अंग्रेज भी ऐसे ही करते थे, भारत के लोग छड़कते थे कि मैं भगाऊंगा तुम लोग हटाएंगे। लेकिन देखिए महात्मा गांधी आप और बहुत दूरी के बाद छोड़ दीजिए, 1900 अभी आप कहाँ से लीजिए, 1688 में वो आए थे, 1688 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 1888 में शायद 1888 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बाद में अब देखिए कि 1914 से आपकी किताब में लिखा गया है कि 1914 से भारत में अंग्रेज आकर रहने लगे, भगाते भगाते देखिए 1914 से शुरू हुआ और 1947 में उगाए, 33 साल तक अभी आपको इसमें दिखा रहा है। अब सोचो 33 साल में हर दिन कितने लोग मरते होंगे, तब देश आज़ाद हुआ। तो अब बताइए, जरा सोचिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान दे दिए। जान क्यों दिए मालूम है? वो कहते थे कि हम मर जाएंगे हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे, ये लोग कहते थे। तो वो था आपका देश की बात थी, देश के लिए जान भी दे देते थे। आज हमने के अंदर ताकत नहीं कराई गई, लेकिन जब वक्त आएगा तो आप लोग भी चाहे हम लोग तो माने तैयार रहते हैं हमेशा। अब आप लोग तो माने अभी छोटे हैं, तब बड़े होंगे 18 साल से ऊपर होंगे तब आपकी सोच बदलेगी कि हमें क्या करना चाहिए। कोनो भी आंदोलन चल रहा था ना तो उसके अलग अलग विचार थे। अभी आप असहयोग आंदोलन चल रहा था तभी आपने कल देखा था ना कि ग्रामीण के लोग अलग सोच रहे थे, शहर के लोग अलग सोच रहे थे, जहाँ जहाँ लोग थे तरह तरह के अलग अलग सोच रख रहे थे, ठीक है। उसके बाद से अंत में कांग्रेस के अंदर अलग अलग, पहले सबसे पहले पार्टी यही था कांग्रेस पार्टी जो आज जूझ रहा है। तो हर एक आदमी का टाइम नहीं रहता है, टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ आपका व्यवहार बदल जाएगा। तो कांग्रेस जो स्थापना की गई थी तो कांग्रेस में भी अलग अलग विचार थे, माने कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार। ये पढ़े थे आप लोग कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है बताओ, कौन है बताओ? अजय कुमार, या उत्तर प्रदेश का है? सोनिया गांधी। बीजेपी का अध्यक्ष कौन है इस समय? बड़ा राजनीति की बात करते हो, बताओ कहते ना ये पार्टी है वो पार्टी, बताओ अध्यक्ष कौन? जेपी नड्डा। अमित शाह तो एथी बन गए हैं ना, गृह मंत्री बन गए हैं, तो जेपी नड्डा आपके हैं उनके। चलो आओ देखो, कांग्रेस 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषद के चुनाव में भाग लेना चाहती थी, क्योंकि उसमें महसूस किया कि परिषद के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना बहुत महत्वपूर्ण था। और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का स्थापना किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की तर्क दिया। अच्छा देखो, अब कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे मान लो कि आप हैं 5 साल, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फिर 2022 में चुनाव हो रहा है और फिर आपके 2024 में चुनाव होगा,
एक चुनाव में 700 करोड़ बहुत हुआ पैसा, 700 करोड़ रुपया का माने खत्म होता है, नष्ट होता है, उतना पैसा लग जाता है और उतने लोगों की परेशानी होती है। सरकार अगर चाहता तो एक चुनाव को जब 2022 में रहा उसी में लगा देता मशीन, अपना लगा देता मशीन, और मशीन लगता और उसके बाद उसमें क्या होती, उसी में वोटिंग हो जाती, साथ साथ इसका भी प्रधानमंत्री का 2024 में काउंटिंग होता, अकाउंटिंग करके तब उसको जीत दिया जाता, देखे को मशीन पर दोनों काम हो जाता, फिर दोबारा चुनाव नहीं करना पड़ता, फिर प्रचार नहीं करना पड़ता। बस समझ रहे हो, नहीं खैर अपनी अपनी सोच होती है। तो क्या हुआ कि ये अंग्रेज को हटाना चाहते थे और कांग्रेस ने सर्वप्रथम सन 1919 ईस्वी में कहा कि हम एक पार्टी बनाएंगे, लेकिन पार्टी बनाया गया। पार्टी बनाने वाले दो व्यक्ति थे, एक आपके मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू भी प्रमुख थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे मालूम है? समझो समझो कि इतने उनके पास पैसा था कि जब वो पढ़ने के लिए गए थे इंग्लैंड में, कौन तो जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़, देखो यहाँ रहते तो उनकी कपड़ा लंदन में धोवाती थी इंग्लैंड में, तो एक लड़का था वो कार से आता था पढ़ने के लिए, कौन दरवाजे थे उस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो जब आता था ना तो कहता था देखो हिंदुस्तान के लोगों के पास कुछ नहीं है, देखो मैं कार से आता हूँ पढ़ने के लिए। तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू से कहे कि अपने उसके पिताजी थे, कहे कि देखिए यहाँ कोई भी हिंदुस्तानी के लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, तो उस मोतीलाल नेहरू कहे कि गिनो कि तुम्हारे स्कूल में कितने गेट हैं, तो कहे कि 51 गेट हैं, तो कहा कि 51 कार तुमको मैं भेज रहा हूँ, 51 कार भेज दिए। वही जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं की लड़की थी इंदिरा गांधी, उन्हीं इंदिरा गांधी के दो लड़के राजीव गांधी और संजय गांधी, और उसी राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया गांधी, और उसी सोनिया गांधी के लड़के नाम प्रियंका गांधी, उन्हीं का परिवार। तो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया, लेकिन इन्हीं के लड़के थे जिनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि पार्टी से नहीं होगा, इन लोगों ने कहा कि जन जन आंदोलन किया जाएगा, माने लोगों के साथ मिल करके आंदोलन किया जाएगा, तब अंग्रेज यहाँ से भागे, इन लोगों ने ही कहा, समझे, माने कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचार। देखिए यहीं पर दो कांग्रेस की स्थापना हो रही है, 1919 में लोग सोच रहे हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, कौन, मोतीलाल नेहरू, वही कहते हैं कि पार्टी, माने ये कहते हैं कि पार्टी बनाएंगे, फिर चुनाव हम लोग लड़ेंगे और चुनाव में जीतेंगे, और जीतने के बाद अंग्रेजों के फिर हम कहेंगे कि आप लोग हार गए, आप देश छोड़ करके जाइए, ये मोतीलाल नेहरू सोच रहे थे। लेकिन इन्हीं के लड़के पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने ही कहा कि नहीं, पार्टी से कोई फायदा नहीं होगा, हम जन आंदोलन करेंगे, हम लोगों के साथ लेकर के आंदोलन करेंगे, जिनका असहयोग आंदोलन था, जिनका भारत छोड़ो आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, कि हमें अंग्रेजों को सहायता नहीं करना, अब भारत छोड़ो का मतलब ये अंग्रेजों भारत छोड़ करके जाओ, तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग जन आंदोलन करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस में अलग अलग विचार थे। देखिए दो लोग हैं, दोनों का अलग अलग विचार है। मोतीलाल नेहरू ये चाहते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना हो, चुनाव हम लोग जीते हैं, और चुनाव जीतने के बाद फिर उन लोगों को क्या करें, भारत से हटा दें, किसको, अंग्रेजों, बल्कि इनके ही पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं, वही चाहते हैं कि हम जन आंदोलन करें, और जन आंदोलन करके तब यहाँ के माने जितने भी अंग्रेज के लोग हैं इसको यहाँ से हटाया जाए। तो लिखा जाएगा, बताओ इसमें कि लिखा दे, जैसे कहो लिख लो, तो थोड़ा सा लिख लो, लिखो कांग्रेज लिखा गया, कांग्रेस, तुम भी कांग्रेज ही लिखी है, नहीं कांग्रेस 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 ने 1919 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करना चाहती थी, स्थापना करना चाहती थी, और यह पार्टी मोतीलाल नेहरू
के द्वारा स्थापित हो रहा था। ये चाहते थे कि मेरा पार्टी चुनाव में जीते और अंग्रेजों को यहां से भगाया जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तथा सुभाष चंद्र बोस जन आंदोलन में विश्वास रखते थे। जन आंदोलन में विश्वास बाबू जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखो साइमन कमीशन, जान साइमन ने इसको बनाया था। जो साइमन कमीशन देख रहे हैं इसको जान साइमन ने इसको क्या किया था, बनाया था। अच्छा ये कमीशन का है, देखो एक प्रकार का अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक व्यवस्था था, सुन लो ध्यान से। और इस कमीशन के द्वारा भारत में क्या हो रहा है, भारत में कैसे कार्य व्यवस्था चल रही है, भारत में कौन सी कानून व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में साइमन कमीशन जो था देख रेख करता रहता था। क्या कहा गया कि जो साइमन कमीशन है भारत में क्या व्यवस्था चल रही है, भारत में कौन सी क्रियाकलाप चल रही है उसको देखना है। लेकिन भारतीय लोग इसका विरोध किए, इसलिए विरोध किए क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय लोग नहीं थे। साइमन कमीशन को जानते हैं ना, एक प्रकार का माने संस्था था जो देख रेख करता रहता था कैसे कार्य हो रही। तो लोगों ने जो भारतीय लोग थे इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे, जिसको देखते हुए पुलिस ने 1928 में भारत में लाया गया था साइमन कमीशन। इसको देखते हुए पुलिस ने, मान लो कि अंग्रेज के उस समय दबदबा था, आप विरोध करेंगे तो पुलिस जनता गिराएगी, तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, लोगों को लगा मारना। उसी में लाला लाजपत राय थे, नाम सुने होंगे आप लोग, लाठीचार्ज के द्वारा ही उनकी मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद से लोग जो थे कई जगह स्टेशनों पर, कई जगह जहाँ भी भीड़ भड़ाक इलाके थे वहाँ आग लगा देते थे और कहते थे कि साइमन कमीशन तुम वापस लौट जाओ। जान साइमन ने बनाया था, उस समय भाई पावरफुल आदमी थे। तो जाने ना कि साइमन कमीशन एक प्रकार की व्यवस्था थी, तो लिख लो इसमें, याद हो जाएगा आप लोगों को जल्दी से। साइमन कमीशन एक प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें भारत में होने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाती है, विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाती थी, तथा साइमन कमीशन एक प्रकार की व्यवस्था थी जिससे जिसमें भारत में होने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाती थी, तथा भारत के कानून व्यवस्था को भी देख रेख की जाती थी, लेकिन भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया,
क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जिसके फलस्वरूप पुलिसों ने लाठी चार्ज किया तथा लाला लाजपत राय का निधन हो गया। निधन बोलो, बता सकते हो इसके बारे में? ओके।